वो आदमी एक्सपायर हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह, बंदा ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये यहाँ का मेडिकल सेंटर है जनाब, मक्का मेडिकल सेंटर। ये मस्जिद आयशा है, फातिमा, ये देखे हैं। ओ माशाल्लाह, में आ गया अभी हम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिद्दा में लैंड हो चुके हैं और अब हमारा जो सफ़र है वो मक्का शरीफ की तरफ हो रहा है। मैं आपको जो रोड में हम जहाँ जहाँ से जाएंगे कोशिश करूँगा आपको कुछ कुछ रोड भी दिखा दूँ। और आज के हमारे जो साथी हैं वो निज़ामुद्दीन भाई बंगला से आए हुए हैं भाई, तो ये माशाल्लाह काफ़ी हेल्प आउट किया इन्होंने मुझे, करेंसी चेंज के अंदर भी, सिम लेने के अंदर से भी। कितने साल से आप यहाँ पर? हम 7 साल से। 7 साल से भाई साहब यहाँ पर काम कर रहे हैं। कितना टाइम हुआ यहाँ पर गाड़ी वाड़ी चलाते हुए? गाड़ी चलाने में मेरा 3 साल है। 3 साल तकरीबन हो गया। कोई इशू यहाँ पर आते हैं या सब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन? सब बेहतरीन चल रहा है। ठीक है, तो इनको इंशाल्लाह हम बुक करेंगे अगले अपने जो भी ज्यारतें होंगी उनके लिए भी होगा। यहाँ से देखिए जो ये वाला रोड है ये मदीनतुल मुनव्वरा ज़्यादा शरफा और ताज़ीमा की तरफ जाएगा, और ये रोड जो है जहाँ पे ये बस है ये वाला मक्कातुल मुकर्रमा जाएगा। ज़्यारत के लिए मक्का का सारा ज़्यारत करने में आपको 3 घंटा चाहिए। 3 घंटा जबल नूर का रहरा मीना मुज़दलिफा जबल रहमत। 4-5 बस? ये 4-5 जगह में है, सब एक जगह में नहीं है। तकरीबन इधर पूरा मक्का का चारों तरफ घूमना पड़ेगा। ओके, तकरीबन 3 से 3.5 घंटे चाहिए। 3.5 घंटे यानी आप पकड़ लो 3 से 3.5 घंटे। राश माश में जाके उधर जन्नतुल मोहल्ला भी है साथ में, इधर भी हड्डी जगह का रास्ता है। ये ट्रेन का रास्ता है, ये ऊपर ट्रेन का रास्ता है। ये ट्रेन मक्का शरीफ लेके जाती है, जो मेट्रो ट्रेन है ये वाली, हमारा मेन ट्रेन। और आज अभी जो शाम के टाइम है तकरीबन यहाँ पे 6:30-7 बज रहे हैं, तो इस वजह से रोड पे काफ़ी ज़्यादा रश है। ये यहाँ पे एक हाइपर सुपर स्टोर है, नाम है इनका लूलू सुपर मार्केट। अच्छा, यहाँ पर भी इस तरह के वो जो छोटे छोटे जैसे इंडिया पाकिस्तान में पथाड़े और ढाबा वाले ढाबे वाले होते हैं, वो छोटा छोटा कॉफी शॉप है सब, कॉफी शॉप और उस तरह का वो भी रोड पे भी है। क्या खूबसूरत आलीशान किस्म की मस्जिद है जगह जगह। वो देखिए वहाँ पे भी एक मस्जिद है दूसरी तरफ। मुराकबा तवीदुल हज्जाज, यहाँ पर हज के दिनों में जो हाजी आते हैं वो यहाँ पर स्टे भी करते हैं और फिर यहाँ से आगे का अपना सफ़र शुरू करते हैं। दरेश कुछ ज़्यादा ही हो गया यहाँ पर, और वजह ये हुआ कि यहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया है बड़ा बुरा, और ये गाड़ी ऊपर से डाउन हो गई है। एक्सीडेंट हो गया बड़ा खौफनाक किस्म का, तो इस वजह से हमें पहुंचने में देर लग रही है। इन मेन माल की यहाँ पर ये जो बस है बड़ी वाली, ये वो बस हो सकती है जो हुजाज इकराम को और जो उमरा करने वालों को लेकर जाती है। ये देखें कितना खौफनाक किस्म का एक्सीडेंट हुआ नाज़रीन, नीचे चला गया। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ही खौफनाक, आदमी एक्सपायर हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह, बंदा ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये यहाँ का चेक पॉइंट आ गया मक्का का जी। ये यहाँ के सारे रेस्टोरेंट्स हैं ना, ये बानीस कॉफी शॉप, सारे रेस्टोरेंट्स हैं। सारी सुपर स्टोर्स मार्केट्स है ना, ये पासपोर्ट का दुकान और सुपर स्टोर। ब्रिज है,
अभी हमारा काफ़िला रवा दवा है, अभी भी स्टिल 20 से 25 किलोमीटर दूर है। और ये चीज़ हमारे भाई ने हमें नोटिस करवाई है कि यहाँ से ही ये देखेंगे क्लॉक टावर दिखना शुरू हो गया है। ये यहाँ का मेडिकल सेंटर है जनाब, मक्का मेडिकल सेंटर। मक्का में जो आएगा उसके लिए है मुस्तशफा नूर मेडिकल। मुस्तशफा नूर में हाजियों के लिए इलाज होते हैं। ये सारे के सारे बड़ी जो उम्रा ट्रिप्स की जो बसेस हैं, ये सारी बसेस यहाँ से जाती हैं, सेम वे में जा रही हैं। ग्रुप में जो लोग आ रहे होते हैं ना, ये उनके लिए बेहतरीन। पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया से जो आदमी ग्रुप में आता है उनका बात। ये मस्जिद आयशा है, ये गाड़ी का पार्किंग है, पार्किंग है इधर से गुजर नहा के उधर से नमाज पढ़ने दो। ये हरमा हुदूद देखा ना, ये हरमा हुदूद का वो अच्छा, अब यहाँ से हरम की हुदूद शुरू हो जाती है इधर से। ये ओके, ये पिलर महदम की हुदूद है। ओके, ये हुदूद हरम शुरू हो गया और यहाँ से बांधते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम हुदूद हरम के अंदर है ना, वो आ गए हरम के अंदर जाते हैं। तो ये जनाब आयशा का रास्ता में ये टनल आ जाती है। क्या बात है, खर्चा किया भाई सऊदीया वालों ने, खर्चा किया टनल बनाया पूरा। गार मक्का में आपको काफी टनल मिलेगा, गार को काट कर टनल बनाया है, ऊपर घर है। अच्छा टनल गार के ऊपर घर है, टनल के ऊपर घर है, पहाड़ी पहाड़। अल्लाह की कुदरत है यार, अल्लाह तबारक व ताला ने इस जमीन को पहाड़ों से नवाजा है। हाँ पहाड़ है, पहाड़ों में घर है। आगे रेस्टोरेंट मिलेगा अलबेग ताजास, यहाँ पे वॉकिंग करके बंदा जा सकता है। वो होटल वाला का शटर पास होते हैं। इधर है होटल हिल्टन मैरियट, हिल्टन शेरटन, हिल्टन स्विस, सब इधर है। ये देखें, ओ काबा में आ गया अभी हम। देखा फातिमा, ये अंदर काबा है, इसके अंदर काबा है, काबा बाहर से नजर नहीं आता है। माशाल्लाह, आपको खाना मिलेगा इस टावर के ऑपोजिट में। नहीं, ये दारुल तौहीद है ना, दारुल तौहीद वाला इस टावर पे, ये टावर पे, ये सीधा सीधा टावर पे आपको सब रेस्टोरेंट मिलेगा। किसी को भी बंगाली पाकिस्तानी बोलते किसी को भी पूछ ले। ये बिल्डिंग है, ये पीछे वाला रास्ता है, आप अंजुम से यहाँ से पैदल निकलने का, यहाँ से भी आ सकते हैं, ये नीचे से भी आ सकते हैं, ये अंजुम का ये नीचे से भी आ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इधर से भी आ सकते हैं। तो ये जी अब फाइनली हम पहुँच गए हैं होटल की पार्किंग के अंदर, और अब यहाँ से हम इंटर होंगे। थोड़ी देर की जो पार्किंग होती है वो फ्री होती है, और ये होटल का आउटर लुक है, खूबसूरत किस्म की लग्जरी किस्म की होटल का लुक महसूस हो रहा है। अब हम इसके अंदर जाते हैं जी, और फिर वहाँ जाके बेल बॉय को बुलाएंगे, और बेल बॉय को बुला कर अपना सामान जो है वो अपना देंगे। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, और ये देखिए जी काफ़ी पेनल्टी पार्किंग है। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी इंशाल्लाह उमरा और ज़्यारतों की वीडियो अलग बनाऊँगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।